नमस्कार। सो उत्तराखंड का फाइनली काउंसलिंग प्रोसीजर कल रात को आ गया है। ब्रोशर अभी भी आना है, बट बाकी सब चीज़ें आ गई हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। और एक जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि वहाँ का जो टॉप मोस्ट कॉलेज है, जो कि नॉर्थ इंडिया की भी टॉप 5 में आता है, हिमालयन जॉली ग्रांट, उसकी फ़ीस में काफ़ी वृद्धि हो गई है। और 18 लाख पर ईयर से अब ये 20,50,000 पर ईयर हो गया है। और मैं आपको एग्जैक्ट बताऊँ तो देखिए, 4.5 साल आप इतनी फ़ीस देंगे तो 92 लाख के करीब आपकी फ़ीस जाएगी। हॉस्टल और मेस मिला के तकरीबन आपका 2 लाख रुपए साल का जाएगा, 2.25 लाख पकड़ के चलिए, तो 4.5 साल का आप इसको भी 10 लाख ले लीजिए। सो 92 जमा 10, 1 करोड़ 2 लाख तो आपके जाएंगे ही जाएंगे। इसके अलावा 1 लाख रुपए का शुरू में नॉन रिफंडेबल एडमिशन फ़ीस है, 1 करोड़ 3 लाख, 2 लाख रुपए की रिफंडेबल है शुरू में, तो टोटल आपकी जेब से 1 करोड़ 5 लाख, मतलब 1.5-1.7 का पैकेज लेकर चलिएगा हिमालयन जॉली ग्रांट का। और साथ में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि पहले साल में, चूँकि ये 3 लाख अलग से जाते हैं, सो एक भाई 25 लाख का इंतज़ाम आपके पास होना चाहिए। ओके, अभी जैसा मैंने बोला कि प्रोसीजर आना है। और सिमिलरली श्री गुरु रामराय, आपको पता ही है कि एक खेल खेलता था, मजबूरी थी उसकी, उसकी फ़ीस कम थी तो वो हॉस्टल में इंक्रीमेंट देता था। तो जो श्री गुरु रामराय का स्ट्रक्चर आया है उसमें फ़ीस उन्होंने 14 लाख से बढ़ा के 17.5 लाख कर दी है। हॉस्टल उनका वही 4 लाख रुपये पर ईयर है, लेकिन वो नहीं मांग रहे। जो फ़िलहाल जो लिखा हुआ है फ़ीस स्ट्रक्चर, उसमें एनुअल इंक्रीमेंट नहीं है हॉस्टल का, क्योंकि ये लोग कॉम्पनसेट करते थे, 4 लाख का हॉस्टल था उसी को हर साल 10% बढ़ा के, बट वो पर एनम दिखाई दे रहा है। तो दैट मीन्स इसकी भी जो फिक्स फ़ीस है वो 21,50,000 हो जाएगी हॉस्टल मिला के। तो उसके हिसाब से हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन 97-98 लाख रुपीज़ इसका भी आएगा। और इसका भी सेम वही है कि 1 लाख रुपये एडमिशन फ़ीस है, तो अब 99 1 करोड़। और ये जॉली ग्रांट से मतलब 3 से 4 लाख सस्ता है टोटल पैकेज। अगर जॉली ग्रांट का 1 करोड़ 7 लाख बोला, तो श्री गुरु रामराय शायद 1 करोड़ 2 लाख रुपए में आ जाएगा। गौतम बुद्ध चिकित्सालय भी इससे थोड़ा सा ही नीचे है, तो क्योंकि वो 5 लाख रुपए इन शुरू में चार्जेस मांगते हैं। और सच बताऊँ 95 लाख रुपीज़ खर्च करने के लिए अदर अगेन, सो गौतम बुद्ध इज़ नॉट अ ग्रेट ऑप्शन, उसी को लेना चाहिए जिसके पास कोई और ऑप्शन ना हो। ठीक है जी। और इसके अलावा जो हम जानते हैं कि उत्तराखंड के जो डोमिसाइल्स होते हैं उन्हें 30% रिबेट मिलता है, तो अगर हम श्री गुरु रामराय की बात करें तो उनकी फ़ीस 13 लाख है, दैट मीन्स हर साल 4.5 लाख कम है, मोटा मोटी उनको 20 लाख कम पड़ता है। सो उत्तराखंड डोमिसाइल में भी 80 लाख रुपये का तो खर्चा पड़ता ही है, और सिमिलरली जॉली ग्रांट में वही खर्चा 82-83 लाख का भी पड़ेगा, क्योंकि ये जो डिस्काउंट है ये 30% का ही होता है। ठीक है। सो ये है, सोच समझ के आप उत्तराखंड की चॉइस फिलिंग कीजिए। राउंड 1 टू राउंड 2 अपग्रेड हमेशा अलाउड होता है, तो उसके हिसाब से हमको एक्शन लेना है। अभी थोड़ी देर बाद 11-12 बजे दोपहर में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। अभी ये नहीं आया कि राउंड 2 टू राउंड 3 अपग्रेडेशन अलाउड है कि नहीं है, क्योंकि MCC ने कर दिया ना, तो काफ़ी लोग इस बार MCC को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी पता चलेगा। तो इधर से इसमें होता क्या है ना, जॉली ग्रांट इज़ ए वेरी सॉट आफ्टर कॉलेज। सो कई लोग क्या करते हैं, राउंड 1 में भी श्री गुरु रामराय जब मिलता है तो रिपोर्ट कर देते हैं और फिर राउंड 2 में अपग्रेड के लिए जाते हैं। और जैसा मैंने कहा, जब 2 साल पहले मॉपअप में अपग्रेड अलाउड था तो 2 टू 3 भी मॉपअप करते थे, बट आप एक मॉपअप का हमेशा नियम समझिए अपग्रेडेशन का, पैसे वापस आते हैं महीने बाद पुराने कॉलेज से और आपको देने होते हैं 4 दिन में। सो अगर आप ये चीज़ करना चाहते हैं कि आप एक सीट होल्ड करके दूसरी सीट लेना चाहते हैं, सो इमीडिएट कैश है आपके पास, वो उसके हिसाब से ज़्यादा होना चाहिए। देखिए, होता टोटल 1 करोड़ रुपये खर्च करना 4.5 साल में, एक है कि इस समय 25 साल पहले गुरु रामराय में देंगे, फिर 25 साल जॉली ग्रांट में देंगे, क्योंकि गुरु रामराय के पैसे तो वापस आएंगे 25 दिन में, जिसको हम बनिए की भाषा में बोलते हैं कैश फ्लो इशू। सो कैश फ्लो का भी आपको ध्यान रखना है अगर आप अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं। और सेम लॉजिक MCC में भी लागू होगा कि जो 1 टू 2 टू 3 टू अपग्रेड है, तो मैं किसी को समझाया कि लेट से आपने चॉइस लिस्ट बनाई अपनी 1 टू 15, अभी आपको नंबर 12 मिल गया, फिर नंबर 8 मिल गया, फिर नंबर 4 मिल गया, बहुत खुश हो, लेकिन 12 से 8 जब जाओगे तो पैसे देने हैं, 8 से 4 जाओगे तो पैसे देने हैं। आपके पैसे वापस पक्का आ जाएंगे, पर आएंगे महीने बाद, जाने अभी, तो आपको तो फिर 75 लाख का अभी इंतज़ाम होना चाहिए पक्के के वाइट के अकाउंट में। सो इस चीज़ का ध्यान रखिए, उसके हिसाब से देखिए कब रामराय पकड़ना है, कब छोड़ना है, क्या एग्ज़िट रूल है। उत्तराखंड में जनरली राउंड 1 फ्री एग्ज़िट होता है, अभी पता चलेगा इस साल होना ही चाहिए, तो राउंड 1 तो आप एलोकेट करा के छोड़ सकते हो,
बट कभी कभार लोग सोते सर सीट पकड़ लेते हैं अपग्रेड में चले जाएंगे, तो उसके लिए आपके पास फिर इतना पैसा भी होना चाहिए। ओके, इन सब बातों का ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, बाय बाय।